साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का विपरीत से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हम बात करेंगे राष्ट्रगढ़ की जो नई विज्ञप्ति आई है उसको लेके, आपके जो सवाल आ रहे हैं विषयवार पदों को लेके, आपने देख लिया होगा मैंने विज्ञप्ति टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दी थी। ठीक है साथियों, उसके अलावा जो आपके मुख्य सवाल आए हैं दो, क्या पद बढ़ेंगे, पद इतने कम क्यों हैं, एक तो वो कारण देखेंगे, और क्या पद बढ़ने की संभावना है, और परीक्षा कब तक संभावना है, आपके जो सवाल आ रहे हैं इसको लेके हम बात करेंगे। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक मैं आपको सूचना दे दूँ साथियों, अभी अपना ऐप है वो हमने वापस स्टार्ट कर दिया, आप सभी को पता है। और साथियों आपके जो कमेंट आ रहे थे टेस्ट सीरीज को लेके, तो टेस्ट सीरीज आपके ये राजस्थान जी के जितना भी आएगा, मुख्य रूप से थर्ड ग्रेड को लेके, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी के आएगा, वो टेस्ट सीरीज से आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, राजस्थान जी के की टेस्ट सीरीज है, तो प्योर टेस्ट सीरीज रहेगी, और प्रत्येक 5 दिन बाद में टेस्ट होगा, जो टॉपिक होगा बड़ा उसका प्रत्येक 5 दिन बाद में टेस्ट होना है साथियों। और टेस्ट में इसलिए कर रहा हूँ 5 दिन बाद में, क्योंकि वो 5 दिन में आप वो टॉपिक तैयार करें। मेरे से जो साथी जुड़े हैं, चाहे कम जुड़े, 100-200 जो भी जुड़ेंगे स्टार्ट में, तो 200 साथी जुड़ेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज का ऑफर भी रहेगा, दीपावली का ऑफर भी विशेष रहेगा। तो आप अपना ऐप डाउनलोड करें, ऐप का नाम है अपनी कलम अपने आवाज, कमेंट बॉक्स में लिंक है, ये सीधा प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं। और राजस्थान जीके की टेस्ट से जुड़े पहला टेस्ट, अब आप बताइए कमेंट करके, मेरा अनुमान जो है वो धनतेरस जो है 28 अक्टूबर को, उस आधार पर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जो धनतेरस है, जो धनतेरस त्रयोदशी 29 अक्टूबर, उसको हम रखना चाहते हैं पहला टेस्ट, क्योंकि उसमें प्री डेमो टेस्ट सभी के लिए दिया हुआ है। प्री डेमो टेस्ट कोई भी साकित्य जाके वहाँ पे दे सकते हैं, 50 क्वेश्चन का एक डेमो टेस्ट है राजस्थान जीके का, वो आप दे के देखें। ठीक है, मैं यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, आप एक बार चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड कर रहे हैं, मुख्य रूप से वो टेस्ट सीरीज थर्ड ग्रेड को लेके है, लेकिन आप सभी साथी जुड़े जिसमें राजस्थान जीके आएगा, किसी भी भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे EOR हो, जो भी आपकी भर्ती है जिसमें राजस्थान जीके आएगा, वो सभी टेस्ट सीरीज से जुड़े। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए अभी आपके लिए वो कोर्स की रेट है वो आपके 22 तक 99 रहेगी, जो स्टार्ट में 200-300 साथी जो भी जुड़ेंगे उनके लिए 99 रहेगी साथियों। उसमें लगभग लागत मूल्य जो टाइपिंग का है, चाहे वो आपके ऐप मैनेजमेंट का है या वो ऐप की कंपनी का है, लागत मूल्य लगभग मैं उस आधार पे कर रहा हूँ 99 में, पूरा राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपको दे रहा हूँ। आप साथी कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़े। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ क्या पद बढ़ेंगे उसको लेके पहले मैं बात करूँ, तो संभावना साथ सबसे पहले आपके जो कमेंट आ रहे थे उनको लेके हम बात करेंगे। विषयवार पद आपके सभी ने देख लिया होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हिंदी में पद है 350, अधिकतम पद सबसे ज़्यादा हिंदी में। ठीक है, उसके बाद में आपकी कॉमर्स में 340, तो अंग्रेजी में पद है 325, संस्कृत में 64, राजस्थानी में 7 पद हैं, पंजाबी में 11 पद हैं, उर्दू में 26 पद हैं, इतिहास में 90 पद हैं, राजनीति विज्ञान में 225 पद, भूगोल में 210 पद हैं, इकोनॉमिक 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री आपकी 36, फिजिक्स 147, मैथ में 153, बायोलॉजी 67-67, कॉमर्स में 340, ड्राइविंग में आपके ड्राइंग जो है उसमें 35, म्यूजिक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37, और आपकी कोच जो है रेस्लिंग के 1 है, खो खो का 1 है, हॉकी का 1 है, फुटबॉल के 3 है, इस प्रकार से पद हैं इसी बार। अब यहाँ पे पद क्यों कम है वो पहले हम देखते हैं, पद का कम रहने का कारण क्या है वो हम देख लेते हैं। कारण साथियों ये है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अभी एक तो सेकंड ग्रेड की वो डीपीसी है, फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी है, जब तक वो फर्स्ट ग्रेड डीपीसी वो वेस्ट म्यूनिसिपल में डीपीसी नहीं होगी तब तक ये पदे हैं वो कम ही आने हैं। तो जब पहले की स्वीकृति मिली हुई है, वित्तीय स्वीकृति जो मिली हुई है जितने पदों पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है, उस आधार पर ये कम पद आपके निकाले गए हैं। तो इस आधार पर क्या पद बढ़ेंगे, तो साथियों निश्चित रूप से यदि आवाज उठेगी और सभी मिलकर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे साथियों। इस पे हमें ही कुछ करना होगा, निश्चित रूप से सरकार के ध्यान में तब आएगा जब हम कुछ करेंगे, उन तक अब आवाज पहुंचाएंगे। तो सभी जो भी साथी हैं वो जहां तक हो सके हर संभव हम प्रयास भी करेंगे, ट्विटर के माध्यम से जो भी है, आरपीसी के माध्यम से, आपके शिक्षा मंत्री है और उनसे हम बात करेंगे, आप भी अपने ट्वीट के माध्यम से हमें रीट्वीट आदि से करें। तो पद बढ़ेंगे निश्चित रूप से, तो पद बढ़ेंगे उस आधार पे साथियों लगभग कितने हो सकते हैं मैं अनुमान बताऊं, यदि डीपीसी हो जाती है, डीपीसी होने के बाद ही पद बढ़ने की संभावना है साथियों, तो पद जो बढ़ेंगे वो लगभग लगभग आपकी ये मानकर चलिए 6 से 7 हज़ार अनुमानित जो पद है वो संभावना है वो 7 हज़ार के आसपास पद बढ़ने की संभावना है, लगभग मतलब 5 हज़ार और बढ़ जाएंगे,
लगभग 5000-4000 के आसपास और पद बढ़ने की संभावना है। ठीक है, इनमें देखिए कुछ सब्जेक्ट में पद अच्छे भी हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, आपके कॉमर्स है, इनमें अच्छे पद भी हैं, लेकिन इनमें और जो नॉर्मल रहते हैं जैसे आपके जो भूगोल है, इतिहास है, होम साइंस है, इनमें जो सोशियोलॉजी है, इकोनॉमी, इसमें आपके क्या है थोड़े अनुमानित पद कम हैं, तो लगभग 7000 के पद हो सकते हैं। और ये आचार संहिता, ये चुनाव, इसके कारण वो थोड़ा सा मामला बैठ नहीं रहा वित्तीय स्वीकृति वाला, तो लेकिन हो जाएगा, प्रयास करेंगे तो पद बढ़ेंगे निश्चित रूप से। इसमें दिया हुआ है विज्ञप्ति में, इसमें पदों में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते चाहती हूँ आपके सवाल में क्या आ रहे हैं, परीक्षा कब तक हो सकती है, तो परीक्षा कब तक वो हम बात करें, तो परीक्षा को लेकर देखिए अभी ये महीना दो महीना तो इस फॉर्म में चले जाएंगे, और फिर जो आपके जनरल फ्री में होना नहीं है उसके बाद में आ जाएंगे एग्जाम बोर्ड। ठीक है साथियों, बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, और उसके बाद में यहां तक मैं इसमें दो संभावनाएं बन रही है परीक्षा, यदि पद बढ़ेंगे डीपीसी की प्रक्रिया पूरी होती है तब तो वो जाएंगे अगस्त के आसपास। एग्जाम कब तक हो सकता है फर्स्ट ग्रेड का, अगस्त के आसपास, और यदि ये नॉर्मल प्रक्रिया जो चल रही है उस आधार पर जो चलना है तो मई जून के आसपास ये एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अनुमानित आप मानकर चलिए जुलाई अगस्त के आसपास ये आप अनुमान लगा सकते हैं। ये अनुमान को किसी को भी फिक्स पता नहीं है कि कब एग्जाम होगी, और एग्जाम डेट आपको बता दे, क्योंकि एग्जाम 3-4 दिन 5 दिन चलना है, 2-3 पार्ट में, तो वो जीके वाला चलेगा, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, उस आधार पे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिन होगी, तो उस आधार पे साथियों टाइम लगेगा उसमें, तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा एग्जाम डेट का, क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं दिनेश बोर्ड ने पहले से घोषित कर दी है, उस आधार पे कितना समय मिलता रहता है इनको, तो उनके दिन भी नहीं हो सकती पहले जो एग्जाम घोषित की हुई है, तो समय जो अगस्त सितंबर के आसपास यदि पद बढ़ते हैं उसमें प्रक्रिया में शामिल होती है तो, और यदि इसी पदों पे या नॉर्मल प्रक्रिया में होना है तो आपके मई जून के आसपास, उससे पहले अगस्त से पहले भी हो सकती है, या अगस्त के आसपास से महीने दो महीने के अंदर अंदर कभी भी हो सकती है। तो आप मानकर चलिए आप ये 7-8 महीने 9 महीने आपके पास में है भी अच्छी तैयारी को लेकर। ठीक है, तो उससे पहले भी हो सकती संभावना, आप तैयारी इस आधार पर करें कि मई में यदि एग्जाम है तो उस आधार पर आपको सिलेबस कवर करना है, रिवीजन इस प्रकार से करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप जो भी कर रहे हैं, तो ये आपके जो सवाल आ रहे थे मुख्य मुख्य, और कोई इसमें कमेंट में कर देना इस कमेंट बॉक्स में कि आपके कोई सवाल है रीट को लेकर, थर्ड ग्रेड को लेकर, सेकंड ग्रेड को लेकर, फर्स्ट ग्रेड को लेकर, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखें, अगले वीडियो में हम पूरी बात कर लेंगे आपके सवालों को लेकर। लेकिन जो भी साथी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अपने चैनल पर विजिट करें, 29 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट जुड़ जाएगा साथियों, 29 अक्टूबर याद रखें, सुबह 9:15 बजे में पूरा टेस्ट शेड्यूल आपको जो भी होगा वो पूरा ऐड कर दूंगा, पहला टेस्ट मैं टेस्ट का शेड्यूल है वो जो आपके ऐप पे मैंने डाल दिए हैं, देख लेना कौन से टॉपिक वाले टेस्ट होने हैं, टेलीग्राम पे मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगा आप वहां से देख लेना, लेकिन सभी साथी एक बार डेमो टेस्ट दे के जरूर देखें, मैं खुद वो टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा समय लगा टाइपिंग में, स्टार्ट में थोड़ा सा गाँव में जो मुख्य रामलीला थी 50वां स्थापना वर्ष था उसको लेकर थोड़ा बिजी हो गया, फिर थोड़ा सा कोई स्वास्थ्य को लेके और स्टार्ट बाद में ये सीटी एग्जाम इसमें ड्यूटी होने के कारण अब मैं फ्री हूँ आराम से, और अब हम टेस्ट सीरीज को लेके काम करेंगे। ठीक है, तो आप अपना ऐप डाउनलोड करें सभी साथी, उसको सभी से जो है साथियों तक शेयर करें, मैं टेलीग्राम जो है उसमें पूरी पीडीएफ डाल दूंगा अपना जो शेड्यूल होगा एग्जाम टेस्ट का, टेस्ट सीरीज का उसमें। तो साथियों और कोई भी आपके सवाल हैं, जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं जिसके भाषा सेकंड संस्कृत रहनी है या फर्स्ट संस्कृत रहनी है, कोई भी जिसके संस्कृत विषय है, तो आप अपना YouTube पे सर्च करना है संस्कृत भाई राम सर, पूरे वीडियो मेरे व्याकरण के डाले हुए हैं वहां से आप देख सकते हैं, साथ में किसी भी किताब से आप उदाहरण या आपके क्वेश्चन देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगी संस्कृत व्याकरण जो जितनी भी आनी है। ठीक है साथियों, अन्य कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में रखें, टेलीग्राम और ऐप का लिंक जहाँ से आप टेस्ट से जुड़ेंगे कमेंट बॉक्स में वहाँ से जरूर जुड़े। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।